आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में 6 मई को मतदान होना है। इसके लिए सभी पार्टियों के नेताओं एवं प्रत्याशियों ने जनसंपर्क एवं चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। आज खजुराहो कटनी लोकसभा क्षेत्र के पन्ना जिले की गुनूर विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अमानगंज में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आम सभा को संबोधित किया, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। खजुराहो लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कविता सिंह के समर्थन में आम सभा को संबोधित करने पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर जमकर निशाना साधा और कहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 भ्रष्ट अमीर लोगों के चौकीदार हैं। साथ ही उन्होंने देश के 5 करोड़ गरीब परिवारों को 72,000 प्रति वर्ष देने की बात कही। मैं आ रहा हूं कि तस्वीर आपके सामने है, तस्वीर आपके सामने है, चित्र आपके सामने है। सच्चाई पहचानिए, सच्चाई अपनाइए, सच्चाई का साथ दीजिए। हमारे सामने कौन सी चुनौती नहीं थी जब हमने प्रदेश को संभाला? हमारे कृषि क्षेत्र की चुनौती, आज आप बात कर रहे हैं नहर की, पानी की, 15 साल बाद। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ये आपने जो पोस्टर पकड़ रखा है ना 72,000 वाला, ये इसकी मैं आपको कहानी बताऊं। ये 72,000 नंबर कहां से आया, कैसे आया बताऊं? सुना चाहते हो? मैं बताता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए देने का वायदा किया था, पूरे देश से कहा कि मैं 15 लाख रुपए हर